लड़ाई झगड़े के समय शरीर क्यों कांपता है और कुछ लोग क्यों डरते हैं उसको, इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करने वाले होते, मतलब झगड़ालू होते हैं, और वो छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको गुस्सा आते ही नहीं, शांत स्वभाव के रहते हो और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा नहीं, क्योंकि वो डरते हैं उससे, बहुत डरते हैं। उनको किसने कुछ बोल दिया तो एकदम घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ लगा कि वो लड़ाई हो जाएगा तो वहाँ से वो विड्रॉ होकर वहाँ से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। और वो अक्सर लड़ाई झगड़ा हो तो अवॉइड ही करेंगे, मतलब जहाँ झंझट है वहाँ तो वो जाएंगे नहीं, और कभी कभी जहाँ झंझट नहीं है वहाँ भी जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि झंझट हो जाएगी, उससे अच्छा मैं जाऊँ ही नहीं। तो ये जो लोग हैं इस प्रकार की बहुत झंझट, झगड़ा, फाइटिंग, इससे डरते हैं, वाद विवाद से डरते हैं, ना चिल्ला चीखी से डरते हैं, वो एक अलग है। और दूसरे कुछ लोग जो है कि वो वैसा करते हैं, उनको मजा आता है उसमें, उनको उनके मन के खिलाफ हो गया कि वो थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, फिर ज़्यादा ही गुस्सा कर लेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे। ये सब करते हुए हाथ पैर क्यों कांपते हैं वो हमें देखना है कि भाई हाथ पैर कांपते इसलिए कि एक तो हमारे बॉडी की सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, वो जो नसें है, नर्व जो है, तो उसके जो दो हिस्से रहते हैं, एक पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, एक रहती है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वो रिलैक्स करती है बॉडी को, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वो टेंशन में लाती है, स्ट्रेस में लाती है बॉडी को, या जब स्ट्रेस है तो वो बहुत एक्टिवेट हो जाती है, तो बहुत एक्टिवेट हो जाती है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, बहुत ज़्यादा। और फिर वो एक बार एक्टिवेट हो गई तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स, स्टीरॉयड्स सिक्रेट होते हैं, डोपामिन सिक्रेट हो जाएगा, सेरोटोनिन सिक्रेट हो जाएगा, तो ऐसे स्ट्रेस हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा मात्रा में उसका असर ब्लड में आएगा। और फिर जब वो एक्टिव हो जाते हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस हॉर्मोन्स, तो उसकी वजह से फिर सीने में धड़कन धड़ 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 होना, हाथ कांपना, पैर कांपना, कुछ लोगों का ऐसा मुंह बहुत ऐसा कांपता है ना, पसीना आ जाता है, उनका चेहरा ऐसा भयानक हो जाता है, और फिर वो स्ट्रेस हार्मोन से होता है और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। क्या होता है कि कोई भी हमें दिखा कि भाई ये मेरे खिलाफ होने वाला है या कोई झंझट झगड़ा होने वाला है तो मैं क्या करूँगा, एक तो मैं फाइट करूँगा, मतलब वो जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम रहती है दिमाग की, वो मुझे फाइट करने के लिए ताकत देंगे, और फाइट करना है तो मुझे स्टीरॉयड्स लगेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स लगेंगे, डोपामिन लगेगा फाइट करने के लिए, और नहीं तो फिर फ्लाइट करना है, फ्लाइट मतलब भाग जाना, तो भाग जाना क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो वहाँ से भाग जाओ, तो उसके लिए भी मुझे हार्मोन्स लगेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स, कि जिससे मैं ताकत आके मैं भाग जाऊँगा। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारा होता है, जो फाइट करते हैं उनके भी हाथ पैर कांपते हैं, जो फ्लाइट करते हैं उनके भी हाथ पैर कांपते हैं, और फिर वो जो अवस्था रहती है, वो जो कंडीशन रहती है वो बहुत अच्छी नहीं रहती ना, इट इज़ अनवांटेड, नहीं चाहिए ऐसी होती है, इमोशंस ठीक नहीं रहते हैं, दिमाग बहुत गर्म रहता है, बहुत ही गुस्से वाला हो जाता है या डरा हुआ रहता है, फिर काम नहीं कर पाते, फिर दिमाग जल्दी शांत होगा नहीं, दिमाग शांत नहीं हुआ तो काम नहीं कर सकते, तो फिर उसका बहुत ज़्यादा मतलब बुरा असर अपने बदन के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर और दिमाग के ऊपर होते रहता है। इसलिए बेटर यह है कि भाई कोई भी सिचुएशन में रिएक्शन मत दो, रिएक्शन जब जब करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो फाइटिंग करना या फ्लाइट करना ये हो जाएगा, और उसमें अपनी बॉडी पूरी टेंशन में आएंगी, दिमाग भी टेंशन में आएगा, बॉडी भी टेंशन में आएंगी, और उसका असर फिर हमारे बॉडी के ऊपर होके फिर डायबिटीज होगा, ब्लड प्रेशर होगा, या अन्य बहुत शारीरिक बीमारियाँ होती है कि हम जब स्ट्रेस में आते हैं उसकी वजह से। तो हमको क्या करना है, दिमाग शांत, रिएक्ट नहीं, हर बार गैप देना है, कुछ भी हो जाता है तो तुरंत रेस्पॉन्ड, थोड़ी सी गैप लो, शांति से विचार करो, बाद में रेस्पॉन्ड करो। रेस्पॉन्ड करना मतलब जिम्मेदारी से बात करना, ऐसा होता है। रिएक्शन करना, रिएक्ट करना, फटाक से जवाब देना, वो आता है मशीनरी से, अंदर से ऑटोमेटिक, तो हमको ऑटोमेटिक नहीं करना है, हमको हमारे मन से रेस्पॉन्ड करना है। तो हम करेंगे तो जो स्ट्रेस, फाइटिंग, तनाव, झगड़े, इसके बुरे असर हमारे शरीर पे नहीं होंगे। ये इसके बारे में आपको कोई सवाल होंगे तो जरूर नीचे नंबर दिए, वहाँ हमें कांटेक्ट करो। मेरा ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऐप डाउनलोड करके उसमें काफ़ी सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, फ्री चैटिंग आप कर सकते होंगे, तो आप जरूर कीजिएगा।
आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी